ओ भाई सेल वाले भैया आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, देखो अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हो क्योंकि अमेज़न के ऊपर में जाकर के फ्रीडम सेल लाइव हो चुका है, 11th ऑफ अगस्त तक रहने वाला है। साथ में अगर फ्लिपकार्ट की बात करें दोस्तों, वहां पे जाकर के आपको फ्लिपकार्ट का फ्लैगशिप सेल है। बट यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईफोन 13, 14, 15 कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा का प्राइस आपको कम मिलेगा, कहाँ पे कौन से कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, सारा माल मसाला दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कुर्सी की पेटी अभी बांध लो और वीडियो को लाइक करके वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप आईफोन 13 या 14 या 15 खरीदना चाहते हैं, देखो सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ। देखो इधर आप तो आईफोन 13 को खरीदो, आप 128 कम बजट है तो 128 GB का खरीद सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बजट स्टोरेज थोड़ा चाहिए तो 256 GB वाला खरीद सकते हो। बट मेरी सजेशन रहेगा तो 128 GB वाला काफी सफिशियंट हो जाता है नॉर्मल यूजर के लिए। बट आईफोन 14 को आप बिल्कुल भी मत खरीदना, क्योंकि देखो आईफोन 13 से लेकर के आईफोन 14 में उतना ज्यादा अपग्रेड आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ एक स्पोर्ट मोड वहां पे देखने को मिलेगा, कैमरा में हल्का सा ट्वीक करा गया जो कि नॉर्मल केसेस में नॉर्मल आप जैसे यूजर कभी उसको ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते हो तो भाई कोई मतलब नहीं बनता है आईफोन 14 को खरीदने के लिए। सबसे बेस्ट अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो आप आईफोन 15 खरीद सकते हो जो कि बेस वेरिएंट है। यहां पे आपको एडवांटेज है कि टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, साथ में आपको टोटल सॉफ्टवेयर एंड यू नो चिपसेट का आपको अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। कैमरा का भी यहाँ पे मेजर अपग्रेड आपको आईफोन 13 से कंपेयर करोगे या फिर 14 से भी कंपेयर करोगे तो माइनर अपग्रेड है, बट 13 से कंपेयर करो तो मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगा। तो मेरा सजेशन देखो आज की सेल में अगर आप खरीदना चाहते हो भाई, इधर आप आईफोन 13 ले लो। अगर आपका कम बजट है, आप नॉर्मल तरीके से देखो आईफोन 13 और 15 उतना ज्यादा आपको वेरियंट नहीं मिलेगा। बट हाँ अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो भाई आईफोन 14 मत खरीदो, उसकी जगह पे 4-5 हज़ार रुपए आपको एक्स्ट्रा चलेगा, वहां पे जाकर के आप डायरेक्टली आईफोन 15 खरीद सकते हो। एज सेड आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा जो कि काफी तगड़े लेवल का भाई साहब एक हेडेक निकाल देता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग के ऊपर में। आप देखो मैं यहां पे आपको लेके चलता हूं, यहां पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो दोस्तों सारे प्लान्स। यहां पे अभी जैसे हमने ओपन करके रखा है, यहां पे जो देख रहे हो दोस्तों ये वाला जो ना फ्लिपकार्ट का है, यहां पे फ्लिपकार्ट पे आपको आईफोन 13 जाकर के 50,999 रुपीस का प्राइस लेके रखा है, साथ में यहां पे 36,000 रुपीस का यहां पे नीचे पे आपको देके रखा है। बट इसके झांसे में बिल्कुल मत पड़ना, ये जाता है दोस्तों एक्सचेंज में। अब एक्सचेंज में क्या होगा पता है, आप फोन तो बुक कर लोगे फिर आपको बोलोगे 36,000 ही देना है, बट जब आपका फोन एक्सचेंज होने जाएगा ना, जब बंदा फ्लिपकार्ट का बंदा आपके घर पर आएगा तो भाई आपके फोन पे एक एक स्क्रैचेस के लिए 2-3 हज़ार रुपए आपको डिडक्ट कर देगा, थोड़ा सा भी कलर शेड हुआ तो उसमें 2-3 हज़ार। तो ऐसे ऐसे करके देना वो प्राइसिंग कम करके लेके आकर के आपको करीबन 45-50 हज़ार रुपए तक आसपास, मतलब एक्सचेंज पे डेफिनेटली आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा। आप एक्सचेंज को OLX या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों में सगे संबंधियों फ्रेंड्स में किसी में बेच सकते हो, वहां पे आपको ज्यादा प्राइस आपको अच्छा खासा प्राइस मिलेगा अगर आप प्रीवियस आईफोन से इस पर्टिकुलर सेल में अपग्रेड करके कोई फोन लेना चाहते हो। बाय द वे अगर न्यू यूजर हो तो भाई आपको यहाँ पे 50,000 यानी 50,999 रुपीस में मिलेगा। बट वही दोस्तों हम अमेजोन पे जाते हैं तो अमेजोन पे अगर देखो तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई आपको 49,500 देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ में आपको 48,750 रुपीस में मिल जाएगा। तो अगर आप आईफोन 13 खरीदना चाहते हो भाई सबसे बढ़िया जाओ अमेजोन से आप खरीद लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए लिंक भी देके रखा, बस उस पे क्लिक करो, डिस्काउंटेड वाला लिंक है। SBI का कार्ड अप्लाई कर लो, अपने दोस्तों से कहीं से भी जुगाड़ कर लो और भाई आईफोन 13 को खरीद लो। नेक्स्ट मैं आपको आईफोन 14 का भी दिखा देता हूं। देखो जैसे आईफोन 14 का यहां पे जैसे देख रहे हो दोस्तों, यहां पे आपको 128 GB वाला 60,900 रुपीस में पड़ रहा है एंड इसके ऊपर में SBI का कार्ड डिस्काउंट के बाद में आपको 59,900 यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि आईफोन 13 पे जाकर करीबन 2,500 रुपए का मिल रहा था। बट यही बात करते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर में, फ्लिपकार्ट के ऊपर में जाता हूं तो आईफोन 14 आपको यहां पे जो देखने को मिल रहा है ये आपको जाकर के यहां पे 57,999 रुपीस में देखने को मिल रहा है विदाउट एनी अदर एडिशनल ऑफ यानी डायरेक्ट डिस्काउंट पे। तो अगर आप आईफोन 14 खरीदना चाहते हो भाई आपके लिए फ्लिपकार्ट वाला प्लेटफॉर्म बढ़िया रहेगा। बट एज सेड मैंने आपको डिटेल बताया कि आईफोन 14 लेने का कोई फायदा नहीं बनता है, आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे भाई उतना ज्यादा आपको फैसिलिटी वहां पे फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया आप आईफोन 15 पे चले जाओ। अब देखो आईफोन 15 का प्राइसिंग मैं दिखाता हूं दोस्तों, यहां पे जो सेल पे है आईफोन 15 का हमें प्राइसिंग यहां पे 65,499 रुपीस हमें यहां पे देखने को मिल रहा है जो कि है फ्लिपकार्ट के ऊपर में एंड 65 यानी 65,499 आपको यहां पे पड़ने वाला है।
बट इसी का अगर मैं Amazon पे लेके चलता हूं दोस्तों, Amazon पे हमें प्राइस देख लेते हैं। Amazon पे अगर जाते हैं दोस्तों, यहां पे जो ना आपको 70,900 पड़ रहा है, और SBI कार्ड का डिस्काउंट लगाने के बाद में आपको जाकर के 69,999। एक बार साइड बाय साइड आप देख सकते हो, यहां पे देखो Amazon के ऊपर में आपको 70,900 एंड डिस्काउंटेड वाला प्राइस, यानी आप मान लो कि भाई ये आपको आराम से 70,000 रुपए पड़ रहा है, बट यहां पे आपको 65,499। एंड एडिशनली आप चेकआउट पे जाओगे अराउंड 1000 रुपीज का आपको जाकर के बैंक ऑफ बड़ौदा ICICI का कार्ड रहते हुए मिल जाएगा। तो भाई आईफोन 13 आज के टाइम में अगर आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हो, आईफोन 13 आप सोच रहे हो भाई आईफोन 15 के ऊपर में शिफ्ट कर सकते हो, और फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर हो जाएगा अगर अभी के टाइम में आप खरीदना चाहते हो। बट हाँ, जो लोग भी भाई साहब वीडियो तक एंड तक बने रहे उसके लिए बोनस पॉइंट बताता हूं। देखो अगर पिछला साल का सेल देखा जाए भाई, iPhone 14 का प्राइस दोस्तों करीबन 62,000 रुपीस में सेल हुआ था, iPhone 13 वहां करीबन 46,000 रुपीस में सेल हुआ था, और आज के टाइम में आप देखो Flipkart पे देखोगे आपको ज्यादा प्राइस दिखा ही रहा है आज के टाइम में, Amazon पे जाते तो 48,000 पे मिल रहा है, बट पिछले साल ही वो जाकर के करीबन 46,000 पे सेल हो रहा था भाई। iPhone 13 का उतना ज्यादा डिस्काउंट मुझे देखने को तो नहीं मिल रहा है इन दोनों के सेल में। हाँ, अगर आप iPhone 15 खरीदना चाहते हो भाई, ये एक बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि Flipkart पे जाकर के आप 65,499 रुपीस का आप एडिशनल डिस्काउंट ले लो, वहां पे आप खरीद सकते हो। बट हाँ, एक बात ध्यान से रखना कि आप एक्सचेंज ऑफर को बिल्कुल भी मत सेलेक्ट करना। अगर आपके पास में ऑलरेडी आईफोन है, आप अपग्रेड करके एक्सचेंज करना चाहते हो, तो भाई आप डेफिनेटली इसको OLX अपने फ्रेंड्स वगैरह पे सेल कर दो। वहां पे आपको आईफोन 13 का जो 128 वेरिएंट है, अगर आपके पास में एक साल का पुराना फोन है, तो आपको आराम से 35,000 के ऊपर में अराउंड उस प्राइस पे आपको सेल हो जाएगा। भाई यस, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कौन सा फोन इस वाले सेल में आप खरीदना चाहते हो, पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ में अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। और हाँ, इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो जल्दी से क्लिक करके फॉलो कर लो, और भी बहुत सारे Amazon और Flipkart के सेल के ऑफर्स है, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, तो जाके भाई फटाफट आप परचेज कर लो, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।